तो भाई अभी हमारी उस लोंडे से बात हुई है जो क्या कहते हैं यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे देखने दाखने आया था, स्काउट बना रखा हमने उसे, जो हो क्या था ना कि हमारे मेरे सारे दोस्त हैं और मैं किसी भी नहीं लड़ूंगा, तो हमने उसे अपना स्काउट बना रखा है, हमने नहीं मतलब I1 है। और यार इसने हमें बताया कि वो दूसरी वाली जगह पे हो सके जहाँ पे सीगर्ड और वो गया है, इसका I1 का भाई वहाँ पे हो सकता है वो। तो जो मतलब हमारे दूसरा वाला किंग है ना, उसकी जो मतलब वो है लेडी, Take everything. वो है वहाँ पे दूसरी वाली जगह पे जहाँ सीगर्ड और ईवर गए हुए हैं। तो वहाँ हमें जाके पता करना है उससे कि उसे क्या पता है कि कहाँ पे हो सकता है वो। कुत्ता मुत्ते लग रहा टांग टांग है यार, ये पड़ा इसके ऊपर मुंह था। तो भाई यार हम थोड़े से बर्फीले से इलाके में आ गए अपने कुत्ते पे बैठ के, और यार पूरा मतलब मैचिंग मैचिंग का लग रहा, सफेद कुत्ता सफेदी हमारे कपड़े का ऊपर का ये, और भाई सफेदी यहाँ की बर्फ बर्फ देख के थोड़ी बहुत नॉर्वे की याद आ रही है, जैसे नॉर्वे में रहा था पूरा बर्फ वाला इलाका, थोड़े बहुत पहाड़ पहाड़ से, वैसे वहाँ काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे से पहाड़ थे, यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी काफी कुछ नॉर्वे जैसा है। आगे पूरा बर्फ का इलाका है ये, जहाँ तक नॉर्थ पोल के काफी पास होगा ये वाली जगह, इसलिए इतनी बर्फ बर्फ है। अभी हमारी ईवर से बात हुई है और इन्होंने ये कुछ बंदे पकड़ रखे हैं उनके, और इनसे पूछताछ चल रही है अभी तकड़ी वाली, ये कर रहा है दूसरा वाला राजा। और तब तक हम इन्होंने इन्होंने मतलब वही बात बताई कि जो उसकी रानी है वो है वहाँ पे जिस जगह पे क्या कहते हैं हम अभी आए हैं, उस महल को गार्ड करी है उसकी रानी। तो हमने कही कि भैया उसकी रानी को पकड़ के आज उसमें लटकुटेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई राजा कहाँ है इसका, फिर तक पहुंच जाएंगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। इधर हम ढंग से देख के भी नहीं आए अभी। चल भाई साहब, इससे पहले मैं भी तलवार मारा था बंदे, उसे ठोक दिया उसे ही भैया ने ठोक दिया, उसे सीगर्ड ने, ये बताओ हम ही है, सीगर्ड ने ठोक दिया यार। एक बार तो इन्होंने भेज रखा और इसे उड़ाने के लिए कुछ तकड़ा हिसाब किताब चाहिएगा। ऊपर से रास्ता है, ऊपर से है थोड़ा सा रास्ता शायद, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं इस किवाड़ के अंदर। चलो तो भाई सबसे पहले तो तुम सोचे होंगे कि भाई ये इसका फेस कैम कहाँ गया और आवाज़ क्या चेंज सी होगी, तो मैं तुम्हें बताऊँ भाई यार ये थोड़ी सी गड़बड़ सी होगी मेरे पीसी में, अभी थोड़े दिन तक ऐसे रहेगा, फेस कैम वगैरह नहीं आना है कुछ भी, और मतलब मुझे रैम बढ़वानी पड़ेगी पहले अपने पीसी की, उसमें 8,000 रुपये लगेंगे, तो वो तो मैं अभी नहीं करने वाला, मैं अभी इतना बजट नहीं बैठ रहा। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताऊँ हुआ क्या था यहाँ पर तक। हम गए थे उसकी रानी के पास, हमें वो मिल गई थी, हमने उससे भाई पूछा कि तेरा राजा कहाँ है, उसने भाई नहीं बताया जैसे कि मैं पता था। तो भाई फिर हम उसे उसके चेले चापटों के साथ यहाँ ले आए जहाँ इनका कैंप है, और भाई यहाँ हमने इससे पूछताछ करी। पहले तो उन्होंने कही थी सीगर्ड ने, और जो मतलब दूसरा वाला राजा है बड़ा उसने कही थी, फिर भाई हमने भी कही थी इससे पूछताछ के मतलब कहाँ है वो, उसने भाई नहीं बताया। तभी भाई आ गया आईवर, आई वे भाई पता नहीं किसकी दो चार बंदों की मुंडी ले आए उखाड़ के, अब वो भाई गए थे इसके सामने उसकी फटी गंदी वाली, और हमने कही कि देखो जब तक तुम मतलब हमें सच नहीं बताओ कि राजा कहाँ है तब तक तो ये चलेगा, लेकिन हाँ अगर हमें एक बार पता लग गया कि वो कहाँ है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, जान देंगे आराम से, कोई टेंशन उसकी बात नहीं है। तो भाई उसे हमारे थोड़ा सा विश्वास हो गया, उसने हमें बता दिया कि वो राजा कहाँ है, अब हमें उसकी लोकेशन तो पता लग गई, अब हम वहीं जा रहे हैं उसे पकड़ने, हम अकेले ढूंढ जाएंगे उसे, किसी की और की साथ की जरूरत नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी कि मतलब पूरे की पूरी फौज चले हमारे साथ। तो भाई यही है वो राजा जिसका बजाना मैं बाजा, और भाई हमने आके इससे बात कही थी, हमने कही थी कि भाई तू आराम से चल हमारे साथ, अपना सिंहासन हमें दे दे शांतिपूर्वक, छुपा हुआ था भाई इसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल, मतलब ढूंढना मुश्किल था बेसमेंट की वजह से, लेकिन सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा नहीं थी, एक बंदे के पास चाबी थी उसे ठोक ठाक के जैसे जैसे बच बचा के हम आराम से इसके पास पहुँच गए। लेकिन भाई ये बिल्कुल मानना नहीं, ये कह रहा कि अगर तुम्हें मेरा सिंहासन चाहिए तो मुझे मानना पड़ेगा, हमने कहा भैया जैसे तुम्हारी इच्छा, और भाई यहाँ पे हम हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हथियार इस्तेमाल कर सकते होते तब कब की इसके बजाय थे, लेकिन ये तो भाई तलवार से तवे से लड़ रहा है, हम हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या पता एक पे फैल जावे, इसे फैलाना नहीं है, हमने इससे की बहू से वादा कर रखा है कैसे फैलाने के नहीं, इसे शांतिपुर को लेके आएंगे, और भाई इसे ठोक ठाक के फिर क्या कहते हैं मतलब जब ये गिर जाएगा
तो भाई इसे उठा के ले चलेंगे अपने जो मेन राज्य है जहाँ का ये राजा था वहाँ पे इससे सिंहासन लेने। तो भाई ये हमने अपने इस भेड़िए पे पीछे इनका राजा लोड कर रखा है। भाई साहब जो भी सैनिक इनका देख रहा है ना रास्ते में उसकी गंदी We वाली need to पटरी go है। fast. सोचा किसी का राजा ऐसे भेड़िए पे लोड करके जा रहा कोई बंदा, और यहाँ सब बाकी सब घोड़े पे चले हम भेड़िए पे चल रहे। जो भी देगा भाई साहब उनकी गंदी पटरी है। और पीछे हमारे सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कुछ बंदे भेजे हुए थे। वैसे तो इन्हें था कि हाँ हम अकेले कर लेंगे काम, लेकिन उन्हें ये था कि भैया अगर इनकेस ना कर पाए किसी वजह से, या फिर ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी हुई, ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो भाई हमारा साथ देने के लिए कुछ बंदे भेजे हुए थे उन्होंने। लेकिन हम तो भाई अकेले ही कर जाए, भाड़ा वाऊ वाऊ करते हुए जा रहे हैं, हम रुकने नहीं वाले भाई साहब बिल्कुल भी अपने बेस से पहले। तो भाई हम इसे यहाँ पे ले आए थे राजा को, और भाई यहाँ के जो आम आदमी थे वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती सी कर रहे थे। फिर इसने कही थी हमारे से के कोई जैर लोग हैं और वो उन्हें तुम्हारा नाम पता लग जाएगा और वो तुम्हारे से लड़ने आएंगे। हमने तो इस पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं। आई वे पूछा था वैसे के कौन है लोग, लेकिन हमने कही कि भाई वैसे ही कह रहा हो कुछ, हमने इसको कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो खैर अभी आई वर हमें पार्टी के लिए इनवाइट करने गया। भाई हमने आराम से शांतिपूर्वक राजा से करवा दिया, और भाई जो राजा था पीछे वाला वो काफ़ी फालतू बोल रहा था, सांड पटकी करने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहा था कि मैं अपनी शर्तों पर दूंगा तुम्हें राज्य और फलाना ढिमकाना, लेकिन भाई हमने उसे सीधा कर दिया। हमने कही कि भाई तेरी ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि तू शर्तों तक के हमारे सामने शांतिपूर्वक अपनी जान बचा ले, वही तेरे लिए बहुत है। और मतलब हमारा जब राज्य से कोई हुआ था दूसरे वाले राजा का, तभी जो राजा है उसका जो सेनापति है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और वो अपनी सारी बची हुई सेना लेकर और भाई इनके पूरे राज्य पे हमला कर दिया उसने तकड़ा वाला। तो भाई इसके सामने वही खड़ा था जो नए वाले राजा का लौंडा है। यह बताऊँ कौन है, ये है इसका पुराना वाला सेनापति, जो पुराना वाला राजा था उसका सेनापति है जो हमारे पे हमला करने आया था मेन, मतलब बाकी सैनिक है बची हुई सेना को लेकर ही आया था मेन हमला करने। तो इसके सामने नए वाले राजा का लौंडा खड़ा था जो ये कह रहा था कि सब लोग मेरे दोस्त हैं और मैं किसी से नहीं लड़ने का। वो ऐसा कह रहा था कि अपने हथियार रख दो और मैं तुम्हारे से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन भाई ये मान नहीं आता। तो भाई उसने क्या कहते हैं, फिर जब ही हम आ गए और हमने उससे कही कि तू चला जा, और फिर हमने उससे कही कि देख राजा और राज्य सिंहासन दोनों गए, मतलब राजा भी है तो जिंदा, लेकिन भाई उसे देश निकालना टाइप दे दिया हमने, वो सिंहासन तो खे गया ही है उसका। तो भाई हमने कही कि तू लड़े मत ना और तू शांतिपूर्वक हमारे से बातचीत कर ले और हमारे साथ आने लग गया। तो भाई इसने मना कर दी और भाई अभी हमारे से लड़ने लगा है काफ़ी तकड़ी तरह से, मतलब तो योद्धा तो मैं सही बताऊँ काफ़ी अच्छा है, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ इसलिए मैं कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, और भाई मैं मतलब लड़ता भी काफ़ी सही तरीके से हूँ इससे, इस पर मैं कुछ उखाड़ नहीं आई। तो भाई अभी तक ये भुजा बना रहता इतना तकड़ा है ये, और देखो अभी जैसे तलवार करके ये मेरी तरफ भक्के आ रहा, देखो ऐसे अगर ऐसा भक्के आ जाता ना मैं इसके सामने आता तो मैं भर देता। अब यार मुझे इसके वीक पॉइंट पर आना पड़ेगा 30 है कोई पैर है ना, ये लगा इसके वीक पॉइंट पे और अब भर जाए भाई साहब स्ट्रॉम्प कर दिया इसे, क्योंकि भाई जैसे वीक पॉइंट पे लग जाए ना किसी के तो फिर भाई अब उससे भर सकते हैं, उससे दर्द हुआ उस टाइम पे। और ये पीछे भाग रहा है ये बच्चे, और भाई इसके पीछे जाके भरना है अभी इसमें वीक पॉइंट पे। अरे यार हेडशॉट मारना सोचा था मैं इसके, ये फिर हट गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ जा तू। अरे यार हट क्यों गया, आ जा ये एक लगा और आ जा ये दूसरा लगा ये तीसरा। ओ भाई साहब इसने भर दिया एक, चलो कोई बात नहीं हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाने का है ज़्यादा क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा हमारे पास में। और ये गया भाई उसे ठोकने के बाद उसने कहा था, मतलब जब वो हार गया था ठोका तो नहीं था गया जब तक, लेकिन वो हार गया था उसने कहा था कि भाई मुझे मार दो और मैं भगवान की शरण जाना चाहता हूँ। तो भाई तभी हमें ओडिन दिखे थे, तो ओडिन ने कहा कि भाई ये जैसा कह रहा है कर दो, क्योंकि एक योद्धा के लिए ज़्यादा जरूरी है कि वो मतलब हार के ना जिए, ये उसकी जान से भी ज़्यादा जरूरी है। तो भाई जब ओडिन ने कहा था तो फिर हमने ऐसे ही करा, और वो कह था राजा का लौंडा कि वो ये चीज़ डिजर्व नहीं करता था, हमने कहा कि भाई उसकी खुद की इच्छा थी क्योंकि वो एक योद्धा था उसकी ज़िंदगी भी मतलब ऐसी सही नहीं। फिर भाई हम राजा के लौंडे को लेकर राजा के पास पहुंच गए थे और हमने अपना अलायंस पक्का कर लिया राजा के साथ में, और भाई हमने इनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी कर ली। फिर जो सीगर्ड है वो तो भाई चला गया कहीं और अलायंस अलायंस का जुगाड़ देखने, और हमें अब रैनवी के पास जाकर रिपोर्ट करना है कि हाँ हमने अलायंस बना लिया, और हाँ हमें जो राजा है उसने कही थी कि तुम मेरे लौंडे को अपने साथ ले जाओ क्योंकि यहाँ पे उस पर खतरा हो सकता है, क्योंकि जो पुराने वाले राजा ने किसी जोलिक जोलिक की बात कही थी उनसे भाई खतरा हो सकता है राजा के लौंडे को। तो इसने कहा उसने कि तुम मेरे लौंडे को अपने साथ ले जाओ कुछ दिन के लिए, तो हमने कहा ठीक है वो भी हमारे बेस भी रहेगा हमारे साथ में। तो भाई हमने आके रैनवी को रिपोर्ट करा था और उसे बताया था कि जो अपना अलायंस है रखवाया के साथ में बन गया, वहाँ पे क्या क्या सीन हुआ था हमने सब कुछ बताया। और भाई फिर यहाँ पे फावड़ी हो रही थी, चीयर वुल्फ नाम है इसका जो दूसरा राजा का लौंडा है। तो चीयर वुल्फ हमें बताया था अपने जय के बारे में, तो हमने इसके कहा कि तुम यहाँ पे सीखने आए हो सिखाया नहीं,
तो फिर इसने कहा कि डैनी ने भी और चीयर वुल्फ ने भी कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, इस जगह के बारे में मतलब हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं सभी लोग। तो भाई हमने बताना शुरू किया था, तो हमने कहा कि हम काफ़ी दूर दूर तक गए इस जगह पे, और हमने और सीगट ने मिल के काफ़ी महान महान काम करे। तो भाई डैक्स क्यों पता नहीं कौन सा खड़ा वाल है, वो और खड़ा हो गया। और भाई वो कह रहा था कि तुम इस कहानी में अपने आप को सीगट के बराबर रखते हो, जो कि तुम नहीं हो। तो भाई हमने कहा कि हम अपने आप को सीगट के बराबर नहीं रखते, और हमारी उससे क्या कहते हैं बात हो रही थी, तभी ये लोग आ गए जिनसे भी हम लड़ रहे हैं, ये पता नहीं कौन है। और मुझे तो लग रहा है जोलिक वोलिक होंगे या पता नहीं कौन है लोग, हमें भी नहीं पता इनका, बस लड़ रहे हैं इनसे। भाई हमने बाकी सारे को तो ठोक ठाक दिया था, बस एक आखिरी बचा था उनमें से जो हमारी पकड़ में आया था, और हमने उससे पूछताछ करने की कोशिश की थी कि तू कौन है, कहाँ से आया, लेकिन उसने हमें कुछ खास नहीं बताया। तो भाई डैनी तो कही थी कि इसे एक संदेश के साथ भेज दो कि हमने इनके लोगों को कितनी बुरी तरह से हराया है। भाई जो डैक्स है वो कह रहा था कि इसे यहीं ठोक दो। तो भाई हमने ठोकने से ही समझा कि भाई हो सकता है अपने लोगों के पास जाके खतरनाक बन जाए, और उनका सपोर्ट लेके हमारे लिए खतरा पैदा करे, और बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जैन भी कही थी कि वो अपना कोई डिटेक्टिव लगा देती उसके पीछे, लेकिन भैया बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और अगली वाली वीडियो में हम जाएंगे बेसिन के पास, बेसिन लंदन गया हुआ है, सीगट के तो गया था नॉर्थ की साइड में, बेसिन साउथ के भी, साउथ की साइड में गया है, साउथ में वो है गुड़गांव, उसके साउथ में लंदन, लंदन गया हुआ है बेसिन। वहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स वाले हैं वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, तो उनके ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए उसे हमारे भी साथ चाहिए, और अपना अलायंस भी पक्का करना है। तो अगली वाली वीडियो में लंदन चलेंगे, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तो